हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल डेटा फॉर ट्रेडर। सो आज की वीडियो में एलाइस ब्लू की न्यू यूपीआई के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एलाइस ब्लू यूपीआई यूज करते हो तो 1 सितंबर से एलाइस ब्लू ऐसा क्लेम कर रहा है कि वो 1 सितंबर से प्रीवियस वर्जन को डिस्कार्ड कर देंगे और जो नई यूपीआई है वो वर्क करेगी। सो इट्स बेटर कि आपको जो प्रीवियस कोड्स हैं जो कि वर्जन 1 पे बने हुए हैं उसका आप शिफ्ट 2 पे शिफ्ट कर लो। ओके, तो इसलिए मैंने ये वीडियो क्रिएट किया और मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि वर्जन 2 आ गई है तो प्लीज क्रिएट वीडियो ऑन दैट पार्ट। ओके, सो हम आज देखते हैं कैसे हम लॉगिन करना है, कैसे हम इंस्ट्रूमेंट फेच करते हैं और वेब सॉकेट के बारे में मैं नेक्स्ट टाइम एक्सप्लोर करूंगा क्योंकि अभी वो पार्ट मेरे लिए भी थोड़ा सा अभी उसमें मुझे रिसर्च करना है। ओके, तो आज हम देखें कैसे लॉगिन करना है, कैसे इंस्ट्रूमेंट देना है और कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। ये 3 पार्ट हम आज देखने वाले। ओके, और वीडियो में आगे जाने से पहले मुझे एक पॉइंट है जो कि यहाँ मेंशन करना है। अगर आप देखोगे तो इसे गाइड की देखो तो आप गाइड की रिकमेंडेशन ओपन करते हो तो आपको मिलता है गाइड की जो पाइथन लाइब्रेरी है, जो भी लाइब्रेरीज है उनका आपको लिंक मिल जाता है। यू कैन क्लिक हियर और आपको पाइथन की जो गिटहब पेज है वहाँ पे आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। सो यू विल गेट इजली कि हाँ ये गाइड की ऑफिशियल गिटहब पेज है। फाइन, अगर आप उसी कोटक में जाओगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा जो SDK है। यू कैन क्लिक हियर ऑन SDK तो आपको मिल जाता है कोटक की जो पाइथन की लाइब्रेरीज है। फाइन, सिमिलरली अगर आप एंजर में जाओगे, आप एंजर भी जाओगे तो यू कैन सी हियर, ये देखो एंजर ब्रोकिंग है और यहाँ भी आपको मिल जाएगा स्मार्ट API पाइथन लाइब्रेरी। ओके, मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूँ, काइट, कोटक, एंजर, यहाँ पे आप इनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है API की वहाँ पे आप जाते हो तो आपको पाइथन की जो लाइब्रेरी उसकी लिंक मिल जाती है। बट एलाइस ब्लू की आप देखोगे तो इनकी API जो है, यहाँ पे आप देखो इनकी API की डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ पे आपको कोई ऐसी लिंक नहीं मिली कि हम इसकी पाइथन लाइब्रेरी आपको कहाँ मिलेगी। फाइन, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, मतलब दे शुड प्रोवाइड हियर, और जिसका प्रीवियस वर्जन था रिटन बाई आई थिंक कृष्ण वेल्लू, ये इनकी गिटहब पेज थी, इसका लिंक भी आपको नहीं मिलता कहीं भी। सो ये वही बड़ा ड्रॉबैक है कि इनको अपने जो डॉक्यूमेंटेशन है इनको वहाँ पे देना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो तो ये इनका पेज है, यहाँ भी कुछ हमें कोई लिंक नहीं मिली है कि यहाँ इसकी जो पाइथन लाइब्रेरी अगर है कोई तो वो कहाँ से हमें मिली। ओके, सो दैट इज अ वेरी बिग ड्रॉबैक आई ऑब्जर्व इन केस ऑफ एलाइस ब्लू। ओके, दे हैव टू मेंशन समवेयर लिंक जिससे हमें पता चले कि हमें कहाँ पर रिडायरेक्ट करना। तो मुझे क्या कि मेरे को एक रिक्वेस्ट आई मेरे चैनल के सब्सक्राइबर से, तो उन्होंने मुझे एक टेलीग्राम पर लिंक शेयर किया एंड दे सेड मी कि ये एक ग्रुप है, यू कैन सी दिस ग्रुप। ओके, सो दिस इज अ ग्रुप नेम एलाइस ब्लू। ओके, और ये आप यहाँ पे लिंक देख सकते हो। तो इस ग्रुप से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली कि अपने अपने पास कोई न्यू वर्जन की रिस्पॉन्डिंग एक लाइब्रेरीज भी है। ओके, इससे पहले मुझे पता ही नहीं था। ओके, सो यहाँ पे इसके ग्रुप के थ्रू मुझे लाइब्रेरीज की लिंक मिली एंड दिस लिंक इज हियर, मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूँ। ओके, तो आप ये मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो कि ये ऑफिशियल है कि नहीं, देखो ये मुझे नहीं पता बट एज पर द कन्वर्सेशन इन दिस ग्रुप तो मेरे को ये ऑथेंटिक ही लगा, जैसे कि प्रीवियसली था अपना कृष्ण वेल्लू वाला भी। तो आज हम इसी लाइब्रेरी को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, इस नेम इज PI A3 बट मेरे अकॉर्डिंग इनको यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था एलाइस ब्लू को अपने डॉक्यूमेंटेशन पेज पे। फाइन, तो अब मैं आता हूँ कोडिंग पे, ये पार्ट अपना एंड हुआ। ओके, सो ये अपना जुपिटर नोटबुक एकदम आते हैं हम फटाफट। सो एज यूजुअल हमें क्या करना, सबसे पहले हमें इंस्टॉल करें लाइब्रेरी, तो हम इंस्टॉल करेंगे पिप इंस्टॉल PI A3। तो आप यहाँ पे जाओ, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, सो एज यूजुअल यू विल गेट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, यू कैन सी रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। ओके, ये पार्ट तो ईजी, आप इतना कर लोगे। अब नेक्स्ट क्या है कि आपको लॉग इन करना, तो लॉग इन में कुछ बदलाव किए गए इस बार। ओके, सो एज यू नो कि सेविंग मैंडेट है कि आपको एक बार मैनुअल इंटरवेंशन करना है API में लॉग इन करने से पहले। सो दैट्स वाई अब क्या करना होगा आपको, मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। व्हाट इज नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन अगर आप देखोगे तो ये अपनी है फ्रॉम एलाइस ब्लू, सॉरी ये तो ओल्ड वन है दिस। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ये लाइन उठानी है। फाइन, सो जस्ट कॉपी दिस वन, पेस्ट हियर। तो यहाँ पे 2 फील्ड है, यूजर नेम एंड API की। यूजर नेम आपका लॉगिन ID है, सो इन माई केस इट्स 20850। ओके, और API की चाहिए आपको, तो ये API की आपको डेली जनरेट करनी पड़ेगी। कहाँ से आपको मिलेगी ये, तो आपको जाना है यू कैन गो हियर दिस वन, यू कैन सॉरी दिस वन। फाइन, मैं बाकी टैब्स क्लोज कर दे रहा हूँ। सो फाइन, ये आप मैं नोट कर लो A3ElaisBlue.com। ओके, यहाँ पे आपको आना है और ये इनका नया इंटरफेस है, सो यहाँ पे आपको लॉगिन करना है। ओके, सो आई एम जस्ट गोइंग टू लॉग इन हियर फर्स्ट। ओके, वैसे आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे ऐप। ओके, अंडर ऐप आप क्लिक करोगे आपको मिलेगा API की। ओके, और ये आपको ये कॉपी कर लेना है। ओके सॉरी, एंड ये आपको लाना है यहाँ पे। मैं क्या काम करता हूँ, मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ नेम ऑफ API की, सो इट्स बेटर फॉर अस। ओके, और ये API की हम यहाँ पास कर लेंगे। ओके, चेंज दिस फाइन, इसको मैं नीचे कर लेता हूँ नेक्स्ट टाइम। ओके, ये आपको पहले इनिशियलाइज करना है और फिर हम कॉल करेंगे इसको।
एलाइस ब्लू, सॉरी अपने को इम्पोर्ट करना था, आई फॉरगेट टू इम्पोर्ट, सो ये अपना पाई थ्री इम्पोर्ट. ओके सो क्या एंड रन दिस वन अगेन रन. ओके आपको क्या करना, अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुली है तो आपको मिल जाएगा सेशन आईडी. सो यू कैन सी दिस नेक्स्ट लाइन, एक्चुअली सब कुछ एक्सप्लेन्ड है, मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ. सो अगेन क्लिक हियर एंड सो यू कैन सी यहाँ मिल गया मुझे सेशन आईडी, इसका मतलब कि अपना लॉगिन सक्सेसफुल हो गया. ओके तो आई थिंक आपको प्रोसेस समझ में आ गया, बहुत सिंपल है. यूजर आईडी लेनी आपको और एपीआई की आपको कहाँ मिलेगी, यहाँ पे लॉगिन करना है, सॉरी दिस वन. ओके और ये डेली बदलती रहती है, तो बेसिकली इनका पॉइंट ये है कि आपको एक बार मैनुअल इंटरवेंशन करना है, इसमें आपको लॉग इन करना है. ओके तो आपको डेली लॉग इन करके जनरेट करके यहाँ पे पेश करना पड़ेगा. ओके तो थोड़ा ऑटोमेशन में इशू आएंगे लोगों के, बट मेरा काम जो है जो प्रोसेस उसको एक्सप्लेन करना है. फाइन सो अगेन कम बैक हियर. इसके बाद चीज़ें वैसे ही जैसे कि लास्ट वर्जन में था, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ. सो इसके बाद आपको क्या मिलेगा, अपने मिलेंगे बैलेंस चेक करना है, तो आपको यहाँ बैलेंस कॉल कर सकते हो. बैलेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी मैं एक बार कॉल कर दे रहा हूँ. सो यू गेट आइडिया. ओके सो ये आपको बैलेंस मिल गया यहाँ पे. फाइन तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपना इंस्ट्रूमेंट्स. ओके तो इंस्ट्रूमेंट में कुछ चेंजेस हैं जो आपको एक्सप्लेन करता हूँ अभी. सो इंस्ट्रूमेंट कैसा आपको फेस करना है, यू कैन सी हियर राइज डॉट गेट मास्टर कॉन्ट्रैक्ट M6. तो मैं काम करता हूँ, पहले मैं NFO लोड करता हूँ. ओके सो एक काम करता हूँ, इसको ले आते हैं रन दिस वन. फाइन जस्ट वेट. यहाँ पे क्या चेंजेस किया इन्होंने कि आप जो भी कॉन्ट्रैक्ट कॉल करोगे फर्स्ट टाइम, ओके तो ये डाउनलोड कर लेगा ओके एक्सएसवी फाइल में, तो ये आपको मिल जाएगा इस लोकेशन पे. यू कैन सी दिस लोकेशन, ये आपकी जो वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पे आपके कोड है. इफ़ यू डोंट नो सो आप सिंपल टाइप कर सकते हो, इफ़ यू टाइप इम्पोर्ट OS एंड OS डॉट गेट CWD करेंट वर्किंग डायरेक्टरी. सो आप देखो मेरे केस में ये है ये. ओके तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, यू कैन सी हियर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो एक यहाँ पे ये देखो NFO.csv. ओके तो ये फाइल डाउनलोड हो गई है. ओके जस्ट अभी डाउनलोड हुई है, जैसे ही आप मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो ये डाउनलोड हो गई. ओके इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ. फाइन तो अब एक बार ये फाइल डाउनलोड हो गई, उसके बाद आप जब भी कॉल करोगे तो ये क्या कर रहे हैं कि इस लोकेशन से फाइल को फेच करके आपके कॉन्टैक्ट को ये दे देंगे. ओके सो अगर हम इसके बाद लेट्स से कि मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, लेट्स से आई कॉल दिस वन. ओके तो अभी क्या है कि मेरे पास NFO फाइल ऑलरेडी है यहाँ पे, तो मुझे क्या करना है, बस मैंने इसे जैसे ही कॉल किया आई विल गेट इंस्ट्रूमेंट. ओके तो अब देखो अगर मैं यहाँ पे लेट से सॉरी मैं एक काम करता हूँ, मैं ये फेच करता हूँ NSCA को इंस्ट्रूमेंट. ओके अभी क्या होगा कि जैसे ही मैं NSCA कॉल करूँगा ना, तो ये पहले NSCA की SSH फाइल को डाउनलोड करेगा. ओके उसके बाद मुझे कॉन्टैक्ट ला के देगा. ओके तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे NSCA कोई फाइल नहीं है, यू कैन सी हियर NFO.csv. फाइन जैसे मैं इसे कॉल करूँगा तो फर्स्ट कॉल में टाइम लगेगा आपको. देखो ये टाइम लगा थोड़ा, बट देखो इसके बाद ये यहाँ मिल गया टुडे कॉन्टैक्ट फिल, ये मैसेज आया, इसका मतलब कि इसको डाउनलोड करना पड़ रहा है. ओके यहाँ पे देखो ये फाइल आ गई NSCA.csv. ओके आप जब नेक्स्ट टाइम कॉल करोगे तो आप जितनी कॉल है वो फटाफट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी फाइल है तो इसी को वहाँ से फेच करो. तो अगर अब मैं ONGC कॉल करूँ, सो अभी देखो क्या होगा, ये तुरंत आ गया. ओके तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब भी आप फर्स्ट टाइम कॉल करोगे किसी भी एक्सचेंज को, तो पहले उसका CSV फाइल डाउनलोड होगा. ओके आपकी वर्किंग डायरेक्टरी में जैसे यहाँ पे हुआ. ओके यहाँ पे NSCA NFO. ओके तो पहले डाउनलोड होगा, उसके बाद जब बाकी जितनी भी कॉल आएंगी तो इजीली ये फेच कर लेगा. ओके तो ये चेंजेस इन्होंने किया है, तो इससे आपको ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा. आपको जो भी कॉन्टैक्ट चाहिए आप इनिशियली, जैसे आपको अगर NFO ट्रेड करना है या फिर आपको NSCA में करना है, ओके तो आप सारे को एक साथ ही कॉल कर लो पहले. ओके कोड स्टार्ट होती है वन टाइम, उस पर जब भी आप कॉल करोगे ये जो प्रीवियस फीचर्स हैं प्रीवियस फंक्शंस हैं, तो आपको ये फटाफट मिलता जाएगा. ओके तो फर्स्ट टाइम थोड़ा डिले होगा, बट आफ्टर सेकेंड सब्सिक्वेंट कॉल जो होंगी उनमें आपको इजिली ये पेज होकर मिल जाएगा. ओके तो ये एक चेंजेस है इनके साइड से. तो ओके अगर आपको देखना है कि NFO में क्या है, तो यू कैन इजिली कॉल pd.data. और आपको अगर अपने अकॉर्डिंग कुछ सर्च करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे और यहाँ पे फाइल दे दो आप NFO.csv. ओके और इसको मैं देता हूँ NFO. ओके और आई थिंक कि मैंने पांडा इंपोर्ट नहीं किया, तो अपने को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा स्पीडी. ओके सो NFO.csv pd.dataframe. ओ सॉरी 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 अपने को रीड CSV कॉल करना. ओके तो ये अपना रीड हो गया और यहाँ मैं कॉल करूँ, यू कैन सी बेसिकली ये स्ट्रक्चर है. ओके तो आप चाहते हो कि आप खुद का अपना बिल्ड करना चाहते हो सर्च कर रहे हो, तो आप इसे फॉलो कर सकते हो.
ओके यहाँ पे आई थिंक सब कुछ है वैसे, इंस्ट्रूमेंट नेम है और यहाँ पे आपको एक्सपायरी डेट मिल जाएगा, लॉट साइज भी है और स्ट्राइक भी है। जैसे काइट में को मिलता है ना मास्टर कॉन्ट्रैक्ट, वैसे एक तरह से मास्टर कॉन्ट्रैक्ट है, और आपको खुद का अगर कुछ बिल्ड करना है तो आप इस फाइल को रीड करके अपना खुद का भी बिल्ड कर सकते हैं। ओके जैसे एक्सपायरी डेट निकालना है तो आप इजीली यहाँ से एक्सपायरी डेट फेच कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है कैसे मास्टर कॉन्ट्रैक्ट से एक्सपायरी डेट फेच करते हैं। ओके तो इंस्ट्रूमेंट में कैसे फेच करना, आई थिंक आपको आइडिया मिल गया। आप थर्ड पार्ट है जो अपना ऑर्डर प्लेसमेंट, तो ये भी सेम ही है लास्ट टाइम की तरह ही। ओके इसमें आपको ज्यादा चेंजेस नहीं है, मेन चेंज जो इस बार हुआ है वो है सॉकेट में और लॉगिन में, तो वो मैंने आपको भी आपको लॉगिन बता दिया, अब सॉकेट का हम नेक्स्ट टाइम पे देखेंगे। ओके हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस वन एंड जैसे आप क्लिक करोगे यू कैन सी ये अपना ऑर्डर प्लेस्ड हो गया। ओके अब यहाँ पे देखो आपको मिला ऑर्डर आईडी, तो आपको इस ऑर्डर आईडी को यूज करना है ये फेच करने के लिए ऑर्डर का स्टेटस क्या है। ओके सो अगर आप यहाँ पे जाऊँ यू कैन सी यर एग्जीक्यूटेड, यहाँ पे देखो इन्फी का ऑर्डर ट्रिगर हुआ रिजेक्टेड है। ओके तो रिजेक्टेड है या कंप्लीट इसका स्टेटस जानने के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा ऑर्डर हिस्ट्री, तो वो आपको मिलेगी यहाँ पे, यू कैन सी हियर, आपको इधर आप देखो तो इधर है या हियर। ओके तो आपको ये API कॉल करनी पड़ेगी, तो पहले आपको क्या करना है ऑर्डर प्लेस करना है, फिर ऑर्डर आईडी फेच करनी है और उसको लेके आपको कॉल करना है ऑर्डर डॉट राइस डॉट गेट ऑर्डर हिस्ट्री। ओके अब देखो जैसे आपने रन किया आपको मिलेगा स्टेटस। ओके अगर आपको कंप्लीट ऑर्डर हिस्ट्री चाहिए तो आप केवल यहाँ पे ऑर्डर आईडी को रिप्लेस करके यहाँ पे केवल सिंपल एक इंपटी स्ट्रिंग पास कर दो। ओके सो जस्ट कॉल दिस वन, यहाँ पे देखो तो आपको यहाँ पे मिल गया ऑर्डर बुक। ओके यहाँ पे आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, इससे HDFC कर लेते हैं हम। सो अभी देखो ये नया ऑर्डर आईडी है, तो अभी मैं फिर से इसे कॉल करूँगा तो दो ऑर्डर आ जाएंगे अपने पास। तो एक देखो ये अपनी है लार्ज, तो ये HDFC की है। ओके रिजेक्टेड है ऑब्वियसली, और ये अपनी है इन्फी वाली। ओके इस तरह से आप ऑर्डर, एक होगा आपका ऑर्डर बुक ओके, जिसके थ्रू आप कंप्लीट ऑर्डर ले सकते हो, और पर्टिकुलर ऑर्डर का जानना तो आप उसमें ऑर्डर आईडी पास करनी पड़ेगी। ओके तो ये था इनका ऑर्डर का कॉल, और प्लेसमेंट कैसे करना है ये बहुत इजी है लाइक प्रीवियस वन। ओके अगर आप चाहते हो यहाँ पे जैसे कि कोई और भी आप इंस्ट्रूमेंट पास कर सकते हो लाइक ऑप्शंस के भी, तो सिमिलरली ये भी प्लेस हो जाएगा। ओके सो ये था आज का कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने देखा कैसे लॉगिन करना है, फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट फेच करने हैं इंस्ट्रूमेंट और मास्टर लिस्ट, एंड फिर देखते हैं कैसे हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, कैसे ऑर्डर की स्टेटस जाते हैं। ये सारे स्टेप हमने आज इसमें देख लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में मोस्ट प्रॉब्लम मैं सॉकेट को एक्सप्लोर करूंगा, एंड लेट्स सी यू, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सॉकेट इनका। ओके तो सी यू सी माई नेक्स्ट वन, ओवर एंड आउट।